गोदी मीडिया वाले 2,000-3,000 रुपए देके लाके ये दलालों को बिठाकर, इन्होंने कोई ठेकेदार नहीं है ना हिंदू के ना मुस्लिम के, इनको जो ठेकेदार बना के इनके डिबेट लेकर अपने चैनल को डेवलपमेंट करना चाहते। आज हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर लोग, जो नालायक लीडर लोग जो काम कर रहे हैं उसको सपोर्ट करने का काम हिंदुस्तान में जो गोदी मीडिया वही कर रही है। बीजेपी के जो नाकामियां अभी छुपाने के लिए आप मस्जिद मंदिर को ला के जो है ना उसको इस्तेमाल करके अपने चैनल के अपने जो है ना टीआरपी बढ़ाने के लिए ये गोदी मीडिया जो है ना ऐसे चैनल चलाते हैं। डिबेट को स्क्रिप्ट आरएसएस के हेडक्वार्टर से आती है मीडिया वालों को, जितने चैनल से गोदी मीडिया के, ये जी टीवी है और रिपब्लिक टीवी है, एबीपी न्यूज है, ये चैनल्स को देखना बंद करो, इनकी टीआरपी खत्म हो जाएगी, ये हरकत करना बंद करेंगे। अगर हम ये चैनल्स को देखते रहेंगे इनकी टीआरपी बढ़ेगी। ये यही हरकत करके हिंदू मुस्लिम में झगड़ा लड़ा के इस देश को बर्बाद करने के लिए सीधा सीधा ये मीडिया जिम्मेदार है इसके। बायकॉट करना चाहिए गोदी मीडिया को, हिंदुस्तान से बाहर कर देना चाहिए। से लेके 2022 तक जितना गोदी मीडिया ने भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स को, वो पार्टीज को सपोर्ट करके आज उन्होंने जहाँ पे गलती करते हैं, लोगों को तकलीफ देते हैं, वो कभी नहीं बता रहे वो लोग। उन्होंने सिर्फ यही बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये लॉन्च की है, ये स्कीम निकाली है, यहाँ पे जाके जो है ना ये प्रोग्राम किए हैं, वो प्रोग्राम किए, यही बता रहे हैं। लेकिन गोदी मीडिया हिंदुस्तान के अंदर, गोदी मीडिया हकीकत जनता के सामने कोई चीज़ नहीं लाने की वजह से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इतना जो है ना उभर के आ रहे हैं। इसके जिम्मेदार सीधा सीधा हिंदुस्तान की गोदी मीडिया है। ये जो डिबेट हो रहे हैं आजकल चैनल्स पे, ये डिबेट क्यों कर रहे हैं लोग? क्या हमारे पास कानून नहीं है? क्या हमारे पास कोर्ट नहीं है? क्या हमारे पास संविधान नहीं है? ये डिबेट करके 2,000-3,000 रुपये के जो ये दलालों को ये ला के जो है ना डिबेट में बिठा कर इनको जो है ना जिम्मेदारी दिए हैं, हिंदुओं की जिम्मेदारी लिए हैं। क्या ठेकेदार ये लोग? क्या ठेकेदार हैं? क्या मुसलमान के ठेकेदार हैं? क्या हिंदुओं के ठेकेदार हैं? लेकिन ये लोग मीडिया वाले, गोदी मीडिया वाले 2,000-3,000 रुपये देके लाके ये दलालों को बिठाकर, इन्होंने कोई ठेकेदार नहीं है ना हिंदू के ना मुस्लिम के, इनको जो ठेकेदार बना के इनके डिबेट लेकर अपने चैनल को डेवलपमेंट करना चाहते। और ये गोदी मीडिया है सीधा सीधा इस चैन के, इसी वजह से अगर उन्होंने डिबेट में नहीं लाते तो नुपुर शर्मा जो है वो डिबेट पे ये वर्ड नहीं बोलते तो आज ये जो है ना प्रोटेस्ट नहीं होते थे। कई लोग के जान जा रहे हैं, कई लोग प्रोटेस्ट में उतरे हुए हैं, कई लोग के ऊपर FIR केसेस हो चुके हैं। इसके जिम्मेदार सीधा सीधा ये चैन गोदी मीडिया पे जाता है, इसके जिम्मेदार गोदी मीडिया है। आज हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर लोग, जो नालायक लीडर लोग जो काम कर रहे हैं उसको सपोर्ट करने का काम हिंदुस्तान में जो गोदी मीडिया वही कर रही है, इसका सीधा सीधा जिम्मेदार गोदी मीडिया है। इसको गोदी मीडिया जिम्मेदारी लेना चाहिए इसके लिए। क्यों लाते हैं इनको डिबेट में? क्या ये ठेकेदार हैं हिंदू और मुस्लिम के? चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, क्या ठेकेदार हैं ये? क्या 2,000-3,000 रुपये दे के ला के आप उनको ठेकेदार बनाकर आप उनके मुंह से उगलाते हैं जहर? कौन है ये? बीजेपी के जो नाकामियां अभी छुपाने के लिए आप मस्जिद मंदिर को ला के जो है ना उसको इस्तेमाल करके अपने चैनल के अपने जो है ना टीआरपी बढ़ाने के लिए ये गोदी मीडिया जो है ना ऐसे चैनल चलाते हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो लीडर्स, जो आयल फाइल जो बोल रहे हैं, जो हरकत कर रहे हैं, उसका मुद्दा और उसका सीधा सीधा चैन वही है कि गोदी मीडिया इसकी जिम्मेदार है। ऐसे लोगों को जो है ना गोदी मीडिया ला के बिठाती है अपनी मीडिया पे, शर्म आना चाहिए ऐसी मीडिया को। डिबेट को स्क्रिप्ट आरएसएस के हेडक्वार्टर से आती है मीडिया वालों को, उन्होंने बिक चुके हैं ये गोदी मीडिया। वो जो सिर्फ और सिर्फ काम कर रहे हैं गोदी मीडिया हिंदुस्तान को डेवलपमेंट करने के लिए, गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए नहीं काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी लीडर्स के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए। ये गोदी मीडिया काम कर रही है। आज हिंदुस्तान में जो भी नुकसान हो रहा है इसका सीधा सीधा जिम्मेदार गोदी मीडिया को जाता है, गोदी मीडिया इसके जिम्मेदार है। जितने चैनल से गोदी मीडिया के, ये जी टीवी है और रिपब्लिक टीवी है, एबीपी न्यूज है और भी कई चैनल्स है, ये जो है ना गोदी मीडिया है। आप, मैं जनता से ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हिंदुस्तान की आवाम से, ये चैनल्स को देखना बंद करो, इनकी टीआरपी ख़त्म हो जाएगी, ये हरकत करना बंद करेंगे। अगर हम ये चैनल्स को देखते रहेंगे इनकी टीआरपी बढ़ेगी। ये यही हरकत करके हिंदू मुस्लिम में झगड़ा लड़ा के इस देश को बर्बाद करने के लिए सीधा सीधा ये मीडिया जिम्मेदार है इसके। बायकॉट करना चाहिए गोदी मीडिया को, हिंदुस्तान से बाहर कर देना चाहिए।